नमस्कार साथी, स्वागत है आपका एनसीसी कंस्ट्रक्शन चैनल के अंदर। तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए फटाफट से भाई लोग, और अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं यहाँ के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अपने को सबसे पहले कॉलम का स्टार्टर भरना चाहिए, जिससे अपनी जो मोल्ड प्रिपरेशन है और मोल्ड प्रिपरेशन को सही तरीके से तैयार करें, ताकि कॉन्क्रीट की प्राकृतिक रूप अच्छी तरह से बन सके और किसी भी प्रकार का लीकेज ना हो। अच्छा ठेकेदार कभी भी है ना अपना मटेरियल खराब यूज नहीं करेगा कास्टिंग के दौरान पे। तो जो हमारा शटरिंग मटेरियल है वो बहुत ही अच्छा और फिनिश्ड मटेरियल है, तो हमेशा कास्टिंग के दौरान एकदम फ्लश, फुल्ली फ्लश्ड एकदम शटरिंग यूज करा करिए। तो अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं, रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट। रेनफोर्समेंट बार्स को सही तरीके से अरेंज करें, उनकी पोजीशनिंग, स्पेसिंग और अलाइनमेंट को ध्यान में रखें, ताकि कॉलम की स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी में सुधार हो। थर्ड पॉइंट, कंक्रीट मिक्स डिजाइन। कंक्रीट का मिक्स डिजाइन सही तरीके से करें, सीमेंट एग्रीगेट्स और वाटर को प्रोपोर्शन ध्यान से चुने, ताकि कॉलम की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। आपको मैं आगे चल के दिखाता हूँ अच्छे से। और जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है वो है वाइब्रेशन। कास्टिंग के दौरान कंक्रीट को वाइब्रेशन से कॉम्पैक्ट करना जरूरी है, ताकि एयर पॉकेट्स निकल सकें और कंक्रीट के अंदर से सही से सेटल हो सकें। इससे कॉलम की क्वालिटी और स्ट्रेंथ में सुधार होता है। हमारे जैसे वर्कर्स देखिए वाइब्रेशन मशीन को ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं कंक्रीट के, बाद में ये करना जरूरी होता है लेयर्स के अंदर, क्योंकि इसमें अगर एयर पॉकेट्स आ जाती हैं तो हमें कुछ हनीकॉम्ब्स जैसी बीमारियां आगे देखने को मिल सकती हैं, जो कि हमारे बिल्डिंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आता है पॉरिंग सीक्वेंस। कंक्रीट को मोल्ड में डालते वक्त उसका सीक्वेंस ध्यान में रखें, सही तरीके से लेयर्स में डालना, ताकि एयर ट्रैप ना हो पाए और कंक्रीट इवनली स्प्रेड हो सकती है। क्योरिंग इज द सिक्स्थ पॉइंट। कास्टिंग के बाद में कंक्रीट को सही तरीके से क्योर करना महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने इसको जूट बैग से अच्छे से देखिए इसको ढक रखा है हमारे कॉलम को, इससे कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। क्योर के लिए वाटर स्प्रिंग, वेट क्लॉथ क्योरिंग या क्योरिंग कंपाउंड्स का उपयोग कर सकते हैं। हमने जूट बैग्स का इस्तेमाल किया, जिसको अपन अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोरी बोलते हैं। ये हमारे को मॉइस्चर मतलब गीला रखती है, जिससे इससे हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ती रहती है। सेवन्थ पॉइंट आता है टेम्परेचर और वेदर कंडीशंस। कास्टिंग के समय का टेम्परेचर और मौसम का प्रभाव भी ध्यान में रखें। एक्सट्रीम कंडीशंस में कास्टिंग को अवॉइड किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी कंक्रीट में पानी का मिक्सचर या फिर मतलब बारिश के कारण अच्छी कंक्रीट नहीं हो पाती है, जिससे हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। सेवन्थ पॉइंट आता है क्वालिटी कंट्रोल। कास्टिंग प्रोसेस के दौरान क्वालिटी चेक्स करते रहें, ताकि कोई भी इशू जल्दी से पता चल सकता है और उसे ठीक किया जा सकता है। तो यदि आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर हैं, तो एक एक्सपीरियंस सुपरवाइजर या कंसल्टेंट की सहायता लेना भी सुझावनीय है, ताकि सभी कार्यों को सही तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। तो होप सो है लोग, आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड कमेंट तो कर देना। और भाई लोग ऐसी वीडियोस हमें और भी डालनी है आगे, तो आपका जो भी सजेशन है मैं उस पर वीडियो बनाने के लिए डालने के लिए रेडी हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्टे ट्यून्ड विद अवर एनसीसी कंस्ट्रक्शन चैनल।